मैंने होमवर्क दिया था आप लोग को, तो आपने होमवर्क कर लिया? हाँ, पामी जट के पास नहीं आने होमवर्क कर लिया? मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, नहीं दिया था? 3, 4, 5, 6, 7 दिया था, सब मैंने कर लिया। वही पूछ रहा है, मैंने सब कर लिया और जो नहीं पढ़ाया था वो भी कर लिया। कमरे के बाहर जाओ, ये जो अंडरलाइन किया नहीं आ रहा है वो। हाँ तो वो भी कर लिया। हाँ ये तो लिया ही है। ठीक है, अभी माय बैंड लगाया मैंने, अभी देखेंगे माय बैंड। हाँ इसमें पहला पॉइंट है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, तो कौन बताएगा कि किसने क्या एंट्री किया एंड क्यों किया? मैं पेड कैश टू महेश, कैश बिजनेस से जा रहा है तो फिर एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो क्या क्रेडिट होगा? कैश। ठीक है, और महेश को, महेश हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक, तो हो जाएगा टू अकाउंट, टू डेबिट, टू टू महेश। मैम मैं बताऊं, मैं यूज कर रही हूं, व्हाट द है, महेश अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। महेश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने, क्योंकि अभी हमने महेश को, हम लोगों ने कैश दे दिया है। ठीक है, तो अब ही इज नो, ही इज नो लॉन्गर आर लाइबिलिटी। ठीक है, है ना, तो लाइबिलिटी अब हमारी घट गई, तो फिर लाइबिलिटी घटी तो फिर ये उस केस कि तुम ये एज्यूम करके चल रही हो इस केस में कि जरूर हमने पास्ट में महेश से गुड्स हाँ, खरीदे होंगे तो और अब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, पर एक अजम्पशन ये भी हो सकता है कि हमने महेश को अभी एडवांस दिया है और वो बाद में हमें गुड्स देगा। अगर हम ये चीज़ एज्यूम कर रहे हैं तो कि हमने महेश को एडवांस दिया है तो भी हम अपने लिए एक एसेट खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें बाद में गुड्स देगा और जब भी एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। यस, और यहाँ लिखा है एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, तो हमें ये देखना है कि डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा कि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। हमें महेश को 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, जिसमें से हमने उसे 9,600 दिए हैं और हमें 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, डिस्काउंट रिसीव किया है हमने महेश से, तो हमें उसे 10,000 पहले देने थे, पर क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला, 10,000 पहले देने थे मतलब हमारा एक्सपेंस है ना, 10,000 देने थे अब, लेकिन हमसे 9,600 दे रहे हैं इस वजह से क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया। एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा नहीं, हमें फिक्टिशियस इनकम तो बोल ही सकते हैं ना, हमें डिस्काउंट मिला एक तरीके से, फिक्टिशियस इनकम, फिक्टिशियस मतलब नकली की इनकम तो हो गई ना, हमारे पैसे की सेविंग तो हुई ना, एक्सपेंस कम हो गया ना, एक्सपेंस तो कम हुआ ना, है ना। तो जब फिक्टिशियस इनकम हो रही, तो इनकम हम लोग क्या करते हैं, इनकम जब बटे क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं इनकम, तो उसी हिसाब से हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया। एक तरीके से हम मान के चल रहे कि हमारी फिक्टिशियस इनकम है। मैम इस स्टेटमेंट में दो क्रेडिट करेंगे और एक डेबिट करेंगे। हाँ, महेश अकाउंट डेबिट कि हमें उसे 10,000 देने हैं, ठीक है, और टू टू कैश अकाउंट 9,600 और टू महेश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव, फोर डिस्काउंट रिसीव, दो कॉपी दो पनिशमेंट तो तुम्हारी, तुम्हारी कॉपी में नहीं लिखेंगे, चीटिंग पहले मैंने वैसे कुछ नहीं लिखी, कॉपी तुम तो चली गई थी। अच्छा नहीं 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 लिखवा नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट तो देंगे, तुम्हें पनिशमेंट नहीं देंगे क्या? हाँ, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री डाल रहे हैं, महेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, अभी आप अकाउंट मत लिखो, या फिर लिखो महेश अकाउंट, ठीक है, टू कैश, कैश हम पे कर रहे हैं 9,600 और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, ये हम मान के चले हमारी एक तरीके से फिक्टिशियस इनकम है डिस्काउंट रिसीव, तो हमने उसे क्या, फिक्टिशियस मतलब नकली की इनकम हुई तरीके से, तो हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 10,000। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि महेश को दो केस हैं, एक कि हमें पहले ही गुड्स मिल चुके हैं, गुड्स ऑलरेडी रिसीव, और ये क्या, गुड्स वर्थ, वर्थ 10,000 ऑलरेडी रिसीव, और यह है गुड्स विल बी रिसीव इन फ्यूचर। अब अगर ये गुड्स हमें ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, है ना, तो अब हम कर रहे हैं पेमेंट 10,000 का। अगर हमने गुड्स पहले उसे जब खरीदे होंगे तब हमने खरीदे ना, पे कर रहे हैं हम, हाँ जब हमने उसे गुड्स खरीदे होंगे तो हमने क्या एंट्री डाली होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश डाली होगी, ठीक है, और अब हम उसी गुड्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त महेश को क्रेडिट किया था, अब हम कर रहे हैं पेमेंट तो महेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब गुड्स, गुड्स विल बी रिसीव इन फ्यूचर, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने अभी 10,000 महेश को दे दिए हैं, अब हम उसे फ्यूचर में गुड्स देंगे, तो अभी हमने मान लिया कि महेश हमारे लिए एक तरीके से एसेट हुआ है ना, क्योंकि अब वो अब हमें फ्यूचर में गुड्स देगा, ठीक है, फ्यूचर में गुड्स देगा, तो हमने क्या कर लिया, महेश को डेबिट कर दिया, हमारा एसेट है, हमने एसेट का बढ़ा दिया, कैश पे किया, डिस्काउंट मिला 400, और यहाँ जनरल एंट्री डाल देंगे, जो भी डालनी हो डाल दें, कभी भी भूलेंगे नहीं, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से पूरा पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नरेशन कंपनी एज ए 31st March जो भी ईयर चल रहा हो, ठीक है, एमएस लगाते हैं, हाँ लगाना, लगा देना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मेरी बारी, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, कैश हम लोग के पास आ रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो कैश हम डेबिट कर देंगे, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है एक तरीके से, नकली की इनकम कम हो रही है, तो उसे भी डेबिट करेंगे, हाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देंगे, और क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दिया, हमारे पास जितने पैसे आने चाहिए थे उससे थोड़े कम पैसे आ रहे हैं, तो हमारी इनकम कम हो रही है,
ठीक है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम कम हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट, तो हमें रिसीव कैश हो, तुम कह रही हो कैश मिला तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउ हुआ, हमने डिस्काउंट दिया, हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ किया, जितने पैसे मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, ठीक है, इनकम कम हो रही है, इनकम जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, और इनकम कम हो रही है तो डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये सब हमारा किससे हो रहा है, अरुण से हो रहा है। इसमें भी हम दो केस मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, कोई कुछ भी मान सकता है। जैसे कैश हमें मिल रहा है, हमें कितना कैश मिल रहा है, 4900, और यहाँ है 100, और ये हो गया 5000। तो यहाँ हमने क्या माना, दो केस क्या मान सकते हैं, कि हमने अरुण को पहले ही गुड्स भेज दिए हैं, ऑलरेडी गुड्स सोल्ड टू अरुण, या तो अरुण ने हमको एडवांस दिया है, हाँ, या फिर अरुण ने हम लोग को एडवांस दिया है, वी रिसीव एडवांस फ्रॉम अरुण, मनी इन एडवांस, मनी इन एडवांस फ्रॉम अरुण। अगर ये केस है तो हमने क्या जर्नल एंट्री डाली होगी, अरुण डेबिट, अरुण अकाउंट को डेबिट किया होगा क्योंकि क्रेडिट में गुड्स हमने खरीदे और टू सेल्स किया होगा, ठीक है। अब हमें उसके बदले पैसे मिल गए तो सेल्स को डेबिट, हाँ, उसके बदले पैसे मिल गए अरुण से, अरुण को पहले डेबिट किया तो अब अरुण को क्रेडिट कर देंगे। अब लिखा वी रिसीव मनी इन एडवांस फ्रॉम अरुण, अरुण से हमें एडवांस में पैसे मिल रहे हैं, मतलब फ्यूचर में देने होंगे अरुण को गुड्स, तो एक तरीके से अरुण हमारे लिए लाइबिलिटी हुआ कि हम अरुण को फ्यूचर में गुड्स देंगे, तो अरुण को क्या कर दिया क्रेडिट, कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। आपको कुछ पूछना है, हाँ पूछो। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तो यहाँ पे तुमने वो किया था ना, कैश क्रेडिट किया था अरुण को, यहाँ पे मैं डेबिट क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने अरुण को गुड्स बेचे होंगे, ठीक है, जब अरुण को हमने गुड्स बेचे उसने पैसे तो दिए नहीं, ठीक है, तो एक तरीके से वो हमें फ्यूचर में पैसे देगा, तो इस केस में तो हमारे लिए अरुण एसेट है, और जब हमने उसे पैसे दे दिए तो हमने अपना एसेट कम कर दिया, अरुण से मामला रफा दफा हो गया, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे तुम क्रेडिट ही लेंगे, डेबिट नहीं लेंगे, तो अरुण को क्रेडिट करेंगे ना, पहले जब हमने उसे गुड्स बेचे क्रेडिट में, तो वो हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो फ्यूचर में पैसे देगा। अब उसने पैसे दे दिए, अच्छा, हमारा एसेट कम हो गया, अरुण ने गुड्स, अरुण ने जब पैसे दे दिए तो इसलिए टू अरुण कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब लिखा गुड्स सोल्ड टू हरीश, बताओ, सिंपल सा है ये, कोई भी बता दो, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बताओ पावनी, गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जल्दी से फटाक से एक्सप्लेनेशन बता दो, क्योंकि हम लोग सेल्स यूज़ करते हैं, सोल्ड में हमारे पास से गुड्स जा रहा है, ऐसे कम हो रहा है, ऐसे एसेट नहीं, सेल्स क्या है, इन्वेंट्री नहीं, सेल्स एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट हुआ, टू सेल्स अकाउंट, और हरीश है, हरीश हमको पैसे देगा उसके लिए, फ्यूचर में देगा, अभी तो दिए नहीं है, तो हमारे लिए एसेट हो गया, हरीश को डेबिट कर दिया, बढ़ रहा है। अब हरीश ने गुड्स वापस कर दिए, तो जिसको हम पहले हमने टू सेल्स किया था, अब कर देंगे सेल्स रिटर्न, टू सेल्स क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, डेबिट, और हरीश को पहले क्रेडिट किया था, हरीश को पहले डेबिट किया था, अब हरीश को क्रेडिट कर देंगे, हाँ, रिवर्स एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ़ अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि मान लो 32,000, मान लो 30,000 देने थे, ठीक है, नहीं, मान लो 40,000 हरीश को देने थे, पर हम बोल रहे जो है यही है, इससे ज़्यादा पैसा हम एक पैसा नहीं देंगे, मतलब 27,500 ही दे पाएंगे 40,000 में से, ज़्यादा हम एक को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो डिस्काउंट मान लेंगे। अच्छा, समझ आया, तो हमारे लिए नुकसान हो गया ऐसे, तो अगर हम लोग ने डिस्काउंट हो गया। अब रिसीव कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से हमें पैसे मिल रहे हैं, सबसे पहले ये दोनों दोनों डाल लेना, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से पैसे मिल रहे हैं, कैश आ रहा है बिजनेस में, हाँ आ तो रहा है, ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश दे रहा है, 27,500, तो यहाँ लिख देंगे 27,500। अब इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट, गुड्स हरीश को हमने गुड्स बेचे तो 30,000 के, हरीश को हमने गुड्स बेचे तो 30,000 के, जिसमें से उसने रिटर्न तो कर दिए 2,000 के, मतलब अभी हमें हरीश को देना है 28,000, अरे मतलब वही हरीश से लेना है 28,000, पर हम बोल रहे हैं हम सिर्फ दे पाएंगे 27,500, हरीश कह रहा है कि हम सिर्फ इतने ही पैसे दे पाएंगे, इससे ज़्यादा एक पैसा नहीं देंगे, ठीक है, हाँ, इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या बेचारा, नहीं है पैसा उसके पास, पैसा सब हाँ। तो हरीश हमें पैसे, पहले हमने क्या किया था, गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश को डेबिट किया था, ठीक है, अब हरीश की पूरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, हाँ, और पैसे भी कम दे रहा, हाँ, पहले हरीश हमारे लिए एसेट था, ठीक है, अच्छा लाइबिलिटी एसेट का खत्म हो गया क्योंकि उसने हमें पैसे दे दिए, तो टू हरीश अकाउंट, अरे टू हरीश अकाउंट 28,000, क्यों 28,000, अरे हाँ 28,000, क्योंकि जब हमने हरीश को गुड्स बेचा तो हमने लिखा हरीश डेबिट टू सेल्स, सेल्स रिटर्न हुआ तो हमने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, हमने 30,000 से डेबिट किया था, या हमने हरीश को 2,000 से क्रेडिट किया, अब बैलेंसिंग हरीश में कितना बचा 28 बचा, क्योंकि दो तो हम पहले ही कर चुके हैं क्रेडिट, तो 28 बचा, और अब हमें उससे क्या, अब हमें उसे क्या देना पड़ रहा है, डिस्काउंट, क्योंकि वो बोला हम ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों करेंगे,
क्योंकि डिस्काउंट इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि हम लोग ने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। पहले हमें मिलते 28,000, लेकिन हमें मिल रहे हैं ऐसे 27,500, मतलब हमें हमारी कितने से इनकम कम हो रही है, 500 से इनकम कम हो रही है, डेबिट करते हैं। हाँ, समझाया? अजीब नहीं, इनकम कम हुई तो डेबिट कर रहे हैं, एक तरीके से फिक्टिशियस एक्सपेंस हो गया ना, नकली का एक्सपेंस नहीं हो गया कि हमारे पास आया कुछ नहीं गया कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जब भी वर्ड ट्रेड डिस्काउंट यूज होता है तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री गायब हो जाती है, डायरेक्ट माइनस करो और डेबिट क्रेडिट कर दो। समझ आया? गुड सोल्ड टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। 6,500 में 6,000 घटाओ कितना बचा? 52,000। 52,000 बेचने की गोपाल को गुड बेचने की क्या एंट्री होगी? गोपाल को, हाँ गोपाल को उन्होंने कुछ बेचे तो हम लोग की इन्वेंट्री कम हुई है ना, तो फिर हम लोग हम लोग सेल्स को डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे, सेल्स कम सेल्स को क्रेडिट करेंगे और गोपाल को डेबिट करेंगे। गोपाल को डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि कोई कैश तो मिला नहीं है, गया नहीं है, गोपाल से फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो गोपाल को डेबिट कर देंगे। गोपाल हमारे अभी के लिए एसेट, एसेट बढ़ता है तो परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 का 15% हुआ 3,000, 20,000 में 3,000 घटा बचेगा 17,000 और एंट्री डाल दो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि रवि रवीज अकाउंट या फिर से टू रवि। अब अगली कैश परचेजेस, सीधी सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश सोल्ड गुड्स वासुदेव। कैश परचेज का मतलब क्या होता है? कैश खरीद लिया, कैश से खरीद लिया। कैश परचेजेस का मतलब है हमने क्रेडिट में परचेजेस नहीं किए, कैश में परचेजेस किए, लगे हाथ पैसे दे दिए हैं। अच्छा, गुड्स ना, लगे हाथ गुड्स से पैसे दे दिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुड्स का फर्नीचर, अगर सिर्फ परचेजेस वर्ड यूज हुआ है तो दैट इज वेरी नॉर्मल कि वो गुड्स ही हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव डेबिट टू सेल्स, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव ने गुड वापस कर दिए तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू वासुदेव। कितना आसान है, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? हम जो आंसर्स लिखे हैं वो चेक नहीं होंगे, कर लेंगे अभी, कर देंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट बता रही हूँ, हाँ तुम बता रही हूँ, देखते देखते चाहते अरे हाँ कॉपी ले लो अपनी, कॉपी ले लो, मैं बताती जा रही हूँ, चेक करती जाऊँ, बाद में देखना, आप आगे देख लो। वासुदेव से बोलो बस। अरे यार, कैश परचेजेस, परचेजेस डेबिट टू कैश, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव डेबिट टू सेल्स, रिटर्न इफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, सेल्स रिटर्न टू वासुदेव, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट और टू वासुदेव, वासुदेव लिख लो या लॉजिक समझा रही है? डिस्काउंट अलाउड पहले नहीं आता था ना, हां कैश डेबिट यहां मार्केट, हां मार्केट में नहीं बोलते, कैश अकाउंट डेबिट टू वासुदेव अकाउंट, रिसीव कैश, कैश भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा और टू वासुदेव। हम लोग वासुदेव को क्रेडिट इसलिए करेंगे कि हम डिस्काउंट अलाउड किया, मतलब एक मिनट एक मिनट, कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड करेंगे डेबिट क्योंकि जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं हो रही, इनकम कम हो रही है, तो डेबिट और टू वासुदेव। टू वासुदेव मतलब या तो हम वही दो केसेस मानेंगे कि या तो हमने उसे एडवांस में, एडवांस हमने उसे कुछ दिए हैं, रिसीव्ड कैश एडवांस में पैसे उससे ले लिए हैं और फ्यूचर में कुछ देंगे तो अभी है ना दीदी। यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड, ये एंट्री हमने पास की है इस एंट्री के क्या, हाँ कि यहाँ पे हमने वासुदेव को गुड्स बेचे, जो मैंने दो केसेस बताए थे उसी में से एक केस चल रहा है। कौन से दो केस बताए थे? कि या तो ऑलरेडी गुड्स सोल्ड टू अरुण है या वी रिसीव मनी इन एडवांस फ्रॉम अरुण है और हम बाद में अरुण को गुड्स देंगे, है ना। उसमें से अभी हमारा कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? ऑलरेडी गुड्स सोल्ड टू अरुण, तो यहाँ पे क्या है? सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, ये अलग केस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर हमने वासुदेव को क्रेडिट किया था, जाहिर सी बात है उसे डेबिट करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ लिखा है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमें गुड्स बेचे, है ना, तो बताओ ये सेल्स होगा कि परचेजेस होगा? हाँ है ना, समझा रहे काम नहीं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत क्योंकि पैसे नहीं दिए ना। प्रीतम परचेज गुड्स, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि वास्तव में हो क्या रहा है, सेल्स हो रहा है कि परचेजेस हो रहा है। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम ने हमसे गुड्स परचेज किया, मतलब हमारी तो सेल्स है, तो प्रीतम डेबिट टू सेल्स। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, गुड नंदनी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, चेक से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब देखो चेक, चेक मतलब बैंक, हाँ बैंक बता रहे काम नहीं, बैंक कम हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट, क्या बैंक में पैसे कम हो रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस लिख सकते, तुमने चेक क्यों डेबिट किया है? तुक्का क्या लगा, दिमाग लगाना था, बताओ। बैंक बैलेंस लिख सकते हैं, नहीं टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट होगा ना, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं,
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इनकम तो नहीं है, पे भी लिखा है साथ में, एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट हुआ, नॉमिनल में क्या करते हैं एक्सपेंस का? एक्सपेंस करते हैं तो फिर हम घटता है, सॉरी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे भैया तुम ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, गलती से मुझे क्रेडिट, सच में पता नहीं, ठीक है तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। अब इनका पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शी ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। अब सीधे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, श्री प्रताप राय का एक्सपेंडिचर बिजनेस ने उठाया। श्री प्रताप राय कौन है? ओनर है बिजनेस का। श्री प्रताप राय कौन है बिजनेस का? ओनर है। ओनर के यूज के लिए, ओनर के यूज के लिए बिजनेस ने पैसे दिए तो क्या हुआ ये ड्रॉइंग? किसने किसने चीटिंग की थी? चोर कहाँ बोलता है? ये चोर बोलता है कि चोरी की? अच्छा सारे चोर बोलते हैं यार चोरी। हाँ तो क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस श्री प्रताप सिंह बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय चेक दे रहे हैं ना, बैंक बैलेंस कम होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखा पेड कैश टू चंद्रकांत, चंद्रकांत को कैश, देखो ऊपर हमने चंद्रकांत से परचेजेस किए थे यहाँ पे, उसी के पैसे हमने यहाँ दिए हैं, जब हमने परचेज खरीदे थे तो परचेज किया था तो हमने चंद्रकांत क्रेडिट किया था, अब हम उसी को उसी का पैसा दे रहे हैं तो चंद्रकांत डेबिट कर देंगे टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट कह रहे हो टू कैश अकाउंट क्योंकि हम पे कर रहे हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अस, तो डिस्काउंट। एक चीज और हम लोग को बताना चाहूंगी कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा मैच होना चाहिए, ठीक है ये पता होगा, वैसे तुम लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगी कि मान यहाँ डिस्काउंट अलाउड बाय हिम लिखा है, कॉपी दो बच्चों, मान लो पेड कैश चंद्रकांत है, चंद्रकांत को पैसे दिए, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, चंद्रकांत को कितने पैसे दिए? 13,780। चंद्रकांत को दिए 13,780 दिए, पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780, कैश पे किया 13,780, तो तुम ये काटा क्यों? अरे यार कुछ समझा रही है, रुक रहा हूँ। 13,780 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय, मतलब डिस्काउंट रिसीव बाय अस, तो यहाँ क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव लिखा, कितने का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है? 220। अब सोचोगे तुम लोग बैठ कर, मैं डेबिट में कौन सा फिगर लिखूँ, डेबिट में कौन सा फिगर लिखूँ, उठा के लिख दोगे 13,780, पर वो नहीं लिखेंगे, 13,780 माइनस 220 लिखेंगे, नहीं 13,780 प्लस 220 लिखेंगे, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, तो 13,780 प्लस 220, तो चल आया डिस्काउंट, ये समझ आ गया ना, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे, जब उसे इतना कैश दिया वो डिस्काउंट के बाद हमें उसे दिया। देखो चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, ये सिर्फ देखो हमने गुड्स तो उसे 20,000 के बेचे थे, पर उसने अभी पैसे सिर्फ 14,000 के दिए, सिर्फ और सिर्फ 14,000 के पैसे दिए, मतलब अभी भी उसे 6,000 देना बच्चा है, ठीक है। देखो हो सकता है फ्यूचर में कोई जनरल एंट्री निकला है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। डिस्काउंट बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है, सीधी बात 15,000 की गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट है, जनरल में पास कर लेना, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, उसी पे पूरा उसी पे कट जाता है, अकाउंटिंग नहीं होती है डिस्काउंट की, इसे परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, टू पवन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, सीधा 15,000 माइनस 20% करके अकाउंटिंग कर लेंगे, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क क्या होता है? डिस्काउंट जब लिखा होता है तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव भी आता है जर्नल एंट्री में, पर ट्रेड लिखा होता है तो डायरेक्ट डिस्काउंट में माइनस करके जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम डिस्काउंट यूज नहीं करेंगे इसमें। हाँ ये अभी था तो पीछे भी, तुम सो रही थी क्या जब 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो हमने कहा हमने सीधा गोपाल डेबिट टू सेल्स कर दिया, तो बताया भी जैसे माइनस करके लिख देंगे डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वीडियो देख लेना। हाँ पे टू पवन, पवन को पैसे दे दिए, ठीक है। देखो पवन, पवन से हमने अभी ऊपर तो कुछ लिए नहीं है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे टू पवन कर रहे हैं, या तो फिर पहले कुछ लिए होंगे पवन से, अरे हाँ यार मैं भी ना कहाँ सो रही हूँ। बहुत गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन किया, तो पवन डेबिट टू कैश, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से पैसे मिल रहे हैं, पहले गुड्स हमने प्रीतम से खरीदे, ठीक है ना, हमने नहीं खरीदे, हमने बेचे तभी तो रिसीव हो रहा है, प्रीतम से प्रीतम को कुछ बेचे थे ना, प्रीतम कुछ बेचे तो प्रीतम को क्रेडिट किया था, तो प्रीतम को डेबिट कर देंगे, और लेकिन एक बात बताऊं, अरे यार रुक जाओ, रिसीव्ड कैश, प्रीतम प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम सेल्स किया था, तो प्रीतम को ऊपर डेबिट किया था ना, प्रीतम को डेबिट किया था तो अब उसे क्रेडिट कर देंगे,
कैश डेबिट टू प्रीतम. अब लिखा पेड वेजेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड सब एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे डेबिट. वेजेस डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज डेबिट टू कैसे पे किया कैश. एक ही क्वेश्चन है, इन सबको जैसे सबकी अलग अलग एंट्रीज हैं. हां अलग अलग, और पहले 2000 2500 9000 और कैश में सारे पैसे के. हां गुड वेरी गुड. हां रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, इनकम है, नॉमिनल है, नॉमिनल क्या हो, नॉमिनल में इनकम क्या होती है, नॉमिनल में इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट. तो इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, उल्टा हो गया यार, क्रेडिट होती है ना, इनकम क्रेडिट होती है ना, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट. रिसीव कमीशन, तो कैश डेबिट टू कमीशन. समझ आ रहा है? तुमने छोड़ दी ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद डायरेक्ट 36,000 36,000. गुड, फिर का रिटर्न रिटर्न गुड डिसाइड कर लो. रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000. विनोद को गुड्स रिटर्न कर दिए तो टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, और ऊपर विनोद को क्रेडिट किया था, विनोद को डेबिट कर देंगे. पेड कैश टू विनोद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. 40,000 विनोद को देने थे परचेज गुड्स फ्रॉम, 40,000 विनोद को देने थे, जिसमें से हाथ के हाथ डिस्काउंट हो गया, मतलब 36,000 देने हैं विनोद को, पर उसमें से भी हमने 1000 रिटर्न कर दिया. 1000 के गुड्स रिटर्न कर दिए ना. हाँ. एक चीज हम लोगों ने गलत कर दी कि जब हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट में गुड्स खरीदे हैं तो रिटर्न भी तो करेंगे, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट में करेंगे. जब हमने गुड्स परचेज किए तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हुआ. हाँ. जब रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तो भी तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे. हाँ. माइनस करके परचेज रिटर्न करते हैं, 900 रुपए का डिस्काउंट, तो हमें इसके जीरो मिलेंगे. ठीक है, लो लो. हाँ, पेड कैश टू विनोद इन फुल सेटलमेंट. 36,000 देने थे, जिसमें से रिटर्न हो गए 900, 1000 माइनस 100 रिटर्न हो गए. 36,000 माइनस 900 कितना हुआ? 35,100 हुआ. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, 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 ठीक है. अब 35,100 में से 34,000 हम देने को तैयार हैं. ठीक है, तो बचा हुआ क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हो गया. समझ आया कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, लाओ थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. देखो रफ वर्क में करना ऐसे कि जब हमने ननिया से बुक पकड़ लो. हाँ. जब हमने गुड्स परचेज किए 40,000 माइनस 10% हमें उसे कितने देने अभी 36,000. हाँ. ठीक, गुड्स रिटर्न करे 1000 के. हुँ. इसमें से भी 10% घटाएंगे क्योंकि जब ऊपर. हाँ. हमने 10% में, जब हम 10% में खरीद रहे तो रिटर्न थोड़ी ना, ऐसे तो हम क्या करें, 40,000 के गुड्स 10% डिस्काउंट में खरीद लें, 36,000 रुपीज में खरीद लें, और जब वापस करने की बारी आए तो सारे गुड उठा के वापस करते, 40,000 के गुड वापस करते, 4,000 का मुनाफा कमा ले रिटर्न करते वक्त. समझ आ रहा है? तो इसलिए हम लोग 10% माइनस करेंगे. ठीक है, वरना सामने वाला क्या करेगा, 10% माइनस करके नहीं, एक काम करते सारे वापस करते, 4,000 तो कमा लेंगे. ठीक है, समझ आया? या 900 माइनस करेंगे तो कितने अभी हमें उसे और पैसे देने हैं, 35,100, जिसमें से हम क्या बोल रहे हैं, 34,000 तो हम लगे हाथ दे रहे हैं. ठीक है, तो अभी कितना बचा, 1100 का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव. तो इसकी क्या एंट्री होगी, पेड कैश टू विनोद, कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट. ठीक है, विनोद को हमने पहले क्या किया था, क्रेडिट किया था, विनोद को पैसे दे रहे हैं, जब उधर क्रेडिट किया था परचेज करते, तो कभी डेबिट करेंगे क्योंकि उसका अकाउंट तो खत्म हो रहा है. तो जब हमने क्रेडिट किया, ओपन किया अकाउंट क्रेडिट करके, तो खत्म करना है विनोद का अकाउंट, तो उसे डेबिट करेंगे तभी ना वो खत्म हो पाएगा अकाउंट. विनोद अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 35,100 से. ठीक है, क्योंकि 900 के एंट्री हमने पहले डाल ली. ठीक है, और 36,000 के एंट्री पहले डाली. कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36,000, और विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900. बचा कितना अभी विनोद को देना, 35,100, और हमने उसे दिए 34,000, हम देने को रेडी हैं. हाँ. पेड कैश विनोद 34,000, और हमारा मुनाफा कितना हुआ, मतलब डिस्काउंट, मुनाफा नहीं डिस्काउंट रिसीव तरीके से नकली मूज का मुनाफा कितना हुआ, कितना हुआ, 1100. ठीक है, शगुन 1100. अब 6, सोल्ड कैश टू सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड कैश बोल रही हूँ, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट रेट डिस्काउंट ऑफ 15%. बहुत आसान है, खुद से करना. कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000. इसमें याद रखना 4000 माइनस 15% करना मत भूलना. हाँ. समझ आया? हाँ. ठीक, क्योंकि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है. ठीक है. हाँ. यहाँ मत लिखो, ताकि जब क्वेश्चन ये करोगी तो रिवीजन कर जाएगा. अरे फ्यूचर में तो फिर से करोगी. सोल्ड गुड्स टू कैलाश, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ठीक है, 15% माइनस कर देना, 1 लाख में 85 आ जाएगा. कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000 में से 15% हटाना कितना हुआ, 600. 3600 हो गया, 4000 माइनस 600, उल्टा बोल रही हूँ, 3400 हो गया.
कैलाश रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3400 सेल्स रिटर्न टू कैलाश 3400 रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर यहां क्या लिखा है कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा है कैश लिखा है मतलब डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट अलाउड अलाउड डिस्काउंट अलाउड क्या होता है डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट डेबिट डेबिट ठीक है डिस्काउंट अलाउड ऐसे तुम थोड़ा सा याद कर लो डिस्काउंट अलाउड ए डी ए डी डिस्काउंट अलाउड डेबिट दैट ठीक है डी ए डी दैट देखो लॉजिक हम समझ चुके हैं पर क्योंकि चीजें क्विक हो इसके लिए थोड़ा सा याद कर लेंगे तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अभी कितना है कॉपी पेन फटाक से कुछ कैलाश 1 लाख का 1 लाख माइनस 15% कितना 85,000 1 लाख का 15% कितना होता है 4000 में से 15% माइनस करेंगे 3400 क्योंकि ये रिटर्न है तो इसको भी माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 85,000 माइनस 3400 जो भी हो यहाँ हम कैलकुलेट करने बैठ रहे हैं रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट यू फ्रॉम हिम जितना भी अमाउंट है मान लो ये अमाउंट है मान लो 85,000 माइनस 3400 81,600 ठीक है 81,600 रिसीव फ्रॉम कैलाश अमाउंट यू फ्रॉम हिम अंडर कैश डिस्काउंट का 5% ठीक कैलाश को अभी इतने पैसे देने हैं ठीक है कैलाश अकाउंट डेबिट क्योंकि उधर हमने क्रेडिट किया था कैलाश को खरीदते वक्त बेचते वक्त कैलाश अकाउंट डेबिट ठीक है कितने पैसे देने हैं कैलाश को कितने 81,600 अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 5% हम कैलाश को क्या हम लोग दे रहे हैं ना हमने गुड्स बेचे ठीक है मतलब कैलाश पैसे देगा मतलब डिस्काउंट हम दे रहे हैं 81,600 कैलाश को ड्यू है ठीक है कैलाश हमें कितना देगा 81,600 तो क्या कर देंगे टू कैलाश 81,600 कर देंगे और कैलाश को हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ध्यान से देखो लिखा कैश डिस्काउंट तो या अब डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 81,600 का 5% कितना हुआ 4,080 हुआ तो कैलाश हमें कितने पैसे देगा क्योंकि वो पैसे हमें दे रहा है बिजनेस पैसे आ रहे हैं तो कैश को डेबिट कर देंगे 81,600 कितना हुआ 7,750 चलो इलस्ट्रेशन 6 भी हो गया स्कूल में स्कूल जब जाओगी तो टीचर सारे क्वेश्चन भगा देंगे और एक दिन में 10 क्वेश्चन कम्प्लीट कर देंगे देख लेना इलस्ट्रेशन 7 क्या है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% डिस्काउंट मुझे नहीं लगता कि अब ये दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है आई डोंट थिंक सो ठीक है अब लिखा है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4% अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4% जब हम मोहन को पैसे पहले कितने देने बचे थे 10,000 का 15% करो 1500 हुआ 10,000 माइनस 1500 हुआ 8500 मोहन को 8500 देने थे पर उसमें भी हमने उसे डिस्काउंट दे दिया ठीक है 8500 का 4% ठीक है ये भी पास डिस्काउंट डेबिट करेंगे डिस्काउंट हमने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट है नहीं पहले में ट्रेड डिस्काउंट है दूसरे में तो नहीं है ना डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश हम कैश पे कर रहे हैं हमें मिल रहा है हमें डिस्काउंट मिल रहा है हां फिर बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश जो 20% ट्रेड डिस्काउंट है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी डिस्काउंट की और जो 5% कैश डिस्काउंट है उसको हम लोग रिकॉर्ड करें हम लोग गुड्स बाय कर रहे हैं तो पैसे किसको देने हैं हमें देने हैं हमें पैसे देने हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा ठीक है तो टू डिस्काउंट रिसीव आएगा और रिसीव और कैश दोनों क्रेडिट करेंगे हाँ तो तुम लोग को एक ये कन्फ्यूजन होगा कि ये 5% किस पर लगेगा 50,000 पे लगेगा या 50,000 माइनस 20% पर लगेगा तो ये 5% लगेगा 50,000 का 50,000 माइनस 20% पर यानी कि जब 50,000 का 20% करेंगे तो होगा कितना 1000 मतलब 10,000 ठीक है मतलब 40,000 का हम लोग क्या करेंगे 5% तो वो आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव सोल्ड गुड्स वैसे यहाँ पर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट 20,000 का 10% कितना हुआ 2000 मतलब 18,000 के गुड्स के एंट्री डालेंगे एंड 3% कैश डिस्काउंट 18,000 का 3% निकाल करके और हम कर रहे हैं जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है कैश अकाउंट डेबिट हाँ कैश अकाउंट डेबिट 17460 कैसे आया 18,000 का 3% जब माइनस करेंगे तो 17460 आएगा तो हम कैश अकाउंट डेबिट 17460 डिस्काउंट अलाउड 540 और टू सेल्स 18,000 क्यों लिया है क्योंकि 20% का 10% का ट्रेड डिस्काउंट था आज के लिए बस इतना ही